गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिमांड वाला चैप्टर है उससे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले आप मेरा एक संदेश सुन सकते हैं। बच्चों, इको पाठशाला पे मैंने लाइव क्लासेस स्टार्ट किया है, लाइव ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर लाइव क्लास, लाइव कोचिंग कोचिंग इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों हाँ, यदि मेरा वीडियो और लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट कि सबसे पहले जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बच्चों, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप इसे देख सकते हैं। बच्चों, एट प्राइस 4.95, देखिए डॉलर, एट प्राइस 4.95 डॉलर, अ पल्प फिक्शन नॉवल इज एक्सपेक्टेड टू सेल 9,000 कॉपी। यानी 4 पॉइंट पी इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 4.95, पी इक्वल्स टू 4.95, कितना कॉपी सेल हो रहा है बच्चों, यानी डिमांड कितना है यहां पे, डिमांड इज 9,000। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है। इफ द नोबल इज ऑफर फॉर सेल एट 3.95, यानी $1 उसकी प्राइस घटा दी गई है, पी वन कितना होगा बच्चों, पी वन कितना है, 3.95 डॉलर, तो डिमांड कितना होगा बच्चों, डिमांड कितना होगा, कोई बता पाएगा। अब इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। देन द पब्लिशर कैन एक्सपेक्ट टू सेल, कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, लेस देन 9,000, 9,000 इटसेल्फ, मैंने पहले जितना हो रहा था उतना ही या उससे कम, मोर देन 9,000, ऑब्वियसली आंसर आपका यही होगा, मोर देन 9,000। क्यों क्यों बच्चों, क्योंकि प्राइस घटा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं यहां पे कि ना ही ये कंप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गिफ्ट इन गुड, इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसको नॉर्मल गुड मान के चलेंगे। तो प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी बच्चों, है ना, तो आपका आंसर ये 3 होगा, मोर देन 9,000 कॉपी विल बी सोल्ड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ये, हालांकि मैं आजकल जो लाइव क्लास ले रहा हूं उसमें ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन यहां पे है बच्चों आपके लिए कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स, ये देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस 2px प्लस 5py। अब यहां पे x एंड y दो कॉमोडिटी हैं बच्चों, x एंड y यहां पे दो कॉमोडिटी हैं, तो ये किस तरह के कॉमोडिटी हैं, क्या इस इक्वेशन से आप बता पाएंगे, डेफिनेटली आप बता पाएंगे बच्चों। यहां पे देखिए y एंड x में क्या रिलेशनशिप है, y एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर x में क्या रिलेशनशिप है बच्चों, y एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर x, ये देखिए यदि प्राइस ऑफ y बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर x भी बढ़ेगा, यानी x एंड y यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं। क्यों, आप समझ सकते हैं कि जैसे कि टी की प्राइस बढ़ती है बच्चों, जब टी की प्राइस, चाय की प्राइस बढ़ेगी तो पब्लिक, चूंकि चाय कंपेरेटिवली महंगा हो गया, मान लेते हैं कि टी यहां पे
10 रुपीज का था पर कप। एंड कॉफी यहां पे कितना का था बच्चों? कॉफी से 20 रुपीज का, कॉफी 20 रुपीज का था। अब देखिए, यदि टी यहां पे 15 का हो गया, टी जो है यहां पे 15 का हो गया, तो कॉफी कंपेरेटिवली सस्ता हो गया ना। यहां पे टी एंड कॉफी में डबल का डिफरेंस था, अब यहां टी एंड कॉफी में डबल का डिफरेंस नहीं है, है क्या बच्चों? नहीं, अब ये डबल का डिफरेंस नहीं है, अब सिर्फ 5 रुपये। पहले यार 10 रुपये का डिफरेंस था, अब क्या है? अब 5 रुपये का डिफरेंस है। तो पब्लिक चाय से कॉफी पे शिफ्ट कर जाएगी, अनलेस और अनटिल वो चाय के लिए हैबिचुअल ना हो बच्चों, अनलेस और अनटिल चाय के लिए वो हैबिचुअल ना हो। तो ये क्या हुआ, जब प्राइस ऑफ वाई बढ़ेगा यानी प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड फॉर कॉफी बढ़ेगा, या वाइस वर्सा कह सकते हैं कि यदि प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ता है तो डिमांड फॉर टी बढ़ता है, इट इज दे आर सब्स्टिट्यूट गुड, दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आपके एनटीए यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा आने लगे हैं बच्चों, तो आप चाहें तो उसको आप इसको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? मेरे लाइव क्लासेस में है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हैं। सपोज यूटिलिटी फंक्शन डिराइव फ्रॉम ए गुड फॉलोज फॉलोज गोसिंस फर्स्ट लॉ, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट, किस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा बच्चों, बता सकते हैं आप लोग? पर सबसे पहली बात तो गोसिंस लॉ क्या है बच्चों? गोसिंस लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर गुड, गोसिंस लॉ क्या कहता है बच्चे? गोसिंस लॉ, लॉ एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर गुड, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, मोर यूनिट यूनिट ऑफ अ गुड, ऑफ अ गुड यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट, डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट एडिशनल यूनिट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है बच्चों? यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? नहीं, यानी यहां पे इसको डायग्राम से भी मैंने आप लोगों को कई बार सिखाया है, कई बार आप लोगों को सिखाया इस डायग्राम से। देखिए प्लीज, यहां पे आपके पास क्या होता है? क्वांटिटी, और यहां पे यूटिलिटी, ये देखिए है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स। और इक्विलिब्रियम कहां पे होता है बच्चों? जहां पे पी इसके बराबर होता है बच्चों, है ना ये? तो ये वाला पॉइंट आपका पी बार है, और यहां पे कहते हैं एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कंज्यूमर वही इक्विलिब्रियम होगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। बच्चों इसको डिराइव करने के लिए आपको पता है एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले को हम यहां नहीं बता पाएंगे आपको, आप चाहें तो मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं बता दूंगा कि वाई वाई एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स इज इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यानी यही वाला इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्यों नहीं है, क्यों है? अब यदि क्वेश्चन में अगली बार आपके कई बार पूछता है कि यदि ये सिचुएशन होगा, ध्यान सुनिए ये एक आंसर हो गया इसका, अब यदि बी वाला सिचुएशन होगा तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, इफ दिस एग्जिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, इफ दिस सिचुएशन
ये नया क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, दिस सिचुएशन एग्जिस्ट इज देन देन हाउ कंज्यूमर विल बिहेव, देन हाउ कंज्यूमर विल बिहेव, कंज्यूमर विल बिहेव है ना बच्चों, हाउ कंज्यूमर विल बिहेव। यानी एक डायग्राम हम यहां बना रहे हैं बच्चों, देखिए प्लीज, क्वांटिटी यहां पे, प्राइस यहां, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स एंड दिस इज प्राइस ऑफ एक्स। इक्विलिब्रियम यहां पे होना चाहिए है ना बच्चों, यहां पे इक्विलिब्रियम मतलब इतना वो गुड्स को कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन क्या सिचुएशन है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से, यानी वो यहां पे कहीं कंज्यूम कर रहा है, वो एक्स वन कंज्यूम कर रहा है, कम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि याद देख सकते हैं आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस से ज्यादा है। तो कंज्यूमर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है बच्चों कि वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा, जब वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा तो इस लॉ के अनुसार एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो जब वो ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, घटेगी ना बच्चों, और वो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब जब तब तक वो अपनी अमाउंट इंक्रीज करता रहेगा जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस दोनों बराबर ना हो जाए बच्चों, यानी ही विल इंक्रीज आउटपुट है ना बच्चों, सॉरी ही विल इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, इंक्रीज करेगा। सिमिलरली यदि ऐसी सिचुएशन होगा तो क्या होगा बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन होगा तो क्या होगा, ही विल डिक्रीज कंजम्पशन, ऐसी सिचुएशन होगा, यानी सी वाले पार्ट मान लेते हैं कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे ये है एंड प्राइस ये है ना बच्चों, प्राइस ये है, सॉरी प्राइस ये है, और इक्विलिब्रियम पे उसे इतना कंज्यूम करना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे उसे इतना कंज्यूम करना चाहिए, कितना करना चाहिए बच्चों, उसे इतना कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन लेकिन वो कर इससे ज्यादा रहा है, एक्स वन कंज्यूम कर रहा है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, इससे कम कंज्यूम कर रहा है, सॉरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो ज्यादा कंज्यूम है तो फिर से उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए उसको कम अमाउंट कंज्यूम करना पड़ेगा, जब कम अमाउंट कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी और वो तब तक वो कम करता रहेगा जब तक कि फिर से यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, मतलब इसमें से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मेरे कोर्सेज में जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करते रहता हूं हमेशा, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन को मैं एक्सप्लोर करता हूं कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चंस और आपसे बन सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल बी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्या बच्चों, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर नॉन ऑफ द अबव, बता सकते हैं आप, प्राइस डिमांड इंफीरियर गुड में, प्राइस डिमांड क्या इंफीरियर गुड का प्राइस के साथ कोई रिलेशनशिप है, बिल्कुल नहीं है, इंफीरियर गुड का इनकम के साथ रिलेशनशिप होता है बच्चों, प्राइस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता उसका। सो यहां पे जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव, सॉरी,
प्राइस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड, नहीं यहां पे इंफीरियर गुड का प्राइस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, इंफीरियर गुड का इनकम के साथ रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसका आंसर ये होता है बच्चों। ठीक है, अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं बच्चों कि नॉर्मल गुड का प्राइस डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है बच्चों, नॉर्मल गुड का प्राइस डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एंड गिफिन गुड का प्राइस डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी उसकी बढ़ती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पे है। ये सेम तरह के क्वेश्चन है, बट ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट है, हालांकि ऑप्शन में भी कुछ खास अंतर नहीं है। आपने मुझे लगता है कि दूसरा क्वेश्चन किया था, वही है। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 400 माइनस 2px प्लस 4y, वेयर एक्स एंड वाई आर टू कमोडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक्स एंड वाई आर कंप्लीमेंट, एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट, एक्स एंड वाई आर इंफीरियर, एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको इन्हीं दोनों में से आंसर चूज करने हैं, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स की बात हो रही है। यहां पे प्लस का साइन है बच्चों, आप देख सकते हैं, प्राइस ऑफ वाई बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ेगा, चूंकि प्लस का साइन है, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट। यदि इस तरह का होता, यदि ये इस तरह का होता, इफ इफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 400 माइनस 2px माइनस 4py, तब ये कंप्लीमेंट होता, क्योंकि प्राइस ऑफ वाई बढ़ने से डिमांड फॉर एक्स कम होता। क्लियर है, ये बात समझ पाए आप लोग कि नहीं बच्चों? समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज। ये डिमांड से ही क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि ये वाला जो क्वेश्चन है सारे वो डिमांड से ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड वाला चैप्टर है, उसी से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ऑन अ डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीजेस। याद है बच्चों आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पॉइंट मेथड सिखाया था, डिमांड कर्व का पॉइंट मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया था, याद होगा तो। उसमें क्या होता है बच्चों, पॉइंट मेथड में, पॉइंट मेथड में किसी भी पॉइंट, डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी ढूंढ सकते हैं बच्चों। उसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू पॉइंट मेथड, अकॉर्डिंग टू पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड मेथड प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि ये जो है बिल्कुल मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच है, तो पॉइंट ए पे क्या है, ऊपर वाला भी बराबर है नीचे वाला भी बराबर है, तो एट ए लोअर सेगमेंट, हम एल एस लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू अपर सेगमेंट, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी एल एस बाय यू एस, यूपी नहीं यूएस, यूएस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बच्चों, जब दोनों बराबर है तो। यहां पे
ED इक्वल्स टू वन। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, लोअर सेगमेंट यहां पे कम हो जाएगा तो ED इज लेस देन वन हो जाएगा, और इस एरिया में क्या होगा बच्चों, ED इज ग्रेटर देन वन। यहां पे क्या होगा, ED इज व्हाट, जीरो, और यहां पे क्या होगा बच्चों, ED इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डिमांड कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ विद एन इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन डिमांड फॉर गुड इंक्रीजेस, इफ विद एन इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेस, द गुड इज इंफीरियर, नॉर्मल, कंप्लीमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। बस सिंपल सी बात है बट, यदि आपकी इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप नॉर्मल गुड कहते हैं, उसे आप नॉर्मल गुड कहते हैं, ये आंसर होगा। लेकिन यदि इनकम बढ़ने से किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड घटती है तो उसे आप इंफीरियर गुड कहते हैं। कंप्लीमेंट गुड का इनकम से कुछ लेना देना नहीं है, उसका प्राइस के साथ लेना देना होता है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम, क्या डायरेक्ट क्या रिलेशनशिप होता है बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट होता है। कंप्लीमेंट, क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों आज की क्लास में आप लोगों को समझ में मुझे लगता है कि काफी इजी क्वेश्चंस आज हमने लिए थे बच्चों आप लोगों के लिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, और ये मैं कंटिन्यूअसली इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए देता रहूंगा सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप बढ़िया से GRF क्वालिफाई करें। और हाँ, मेरा लाइव कोचिंग भी चल रहा है बच्चों, लाइव कोचिंग भी चल रहा है मेरा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।